तो एक और बिल्ला मैं अंदर देख रहा हूँ, वो मैंने पाकिस्तान में ब्रीड पहले नहीं देखी जी, ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ही समझ लें कि ये इंपोर्ट हुई है। ये दिखाएंगे क्या ब्रीड है ये। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बुलेट और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम अरसलाम भाई के साथ मौजूद हैं और इनकी एक बिल्ली, बिल्ला पता नहीं क्या बिल्ली है, बिल्ला मेल है, मेल एक बिल्ला जो है वो बाहर से आया है। और कब आया ये? ये आज ही, आज पहुंचा है या कल पहुंचा है? कल पहुंचा था लेकिन आज रिलीज हुआ। रिलीज आउट हुआ तो इतना टाइम क्यों लग गया? बस आपको पता है हमारे सिस्टम जरा कस्टम के, तो जानवर को प्रॉब्लम नहीं होती कि इतनी देर एयरपोर्ट पे वो रहे बगैर खाए पिए? वो तो बहुत होती है, पर हम लोग खुद वहाँ पे रहे हैं और उसका मतलब फीड करते रहे वहाँ पे। अच्छा, इतनी परमिशन उन्होंने दे दी थी। हाँ जी। तो ये जो ब्रीड आई है पाकिस्तान में, ये पहले भी पाकिस्तान में आ चुकी है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में मौजूद है। तो ये कितने का आपको कॉस्ट कर गया वहाँ से यहाँ तक आने में? ये कस्टम क्लियरेंस वगैरह सारा कुछ करके तकरीबन 3 लाख से प्लस हो जाता है। 3 लाख प्लस गया है। तो मुझे दिखाएंगे जरा बाहर निकाल के? जी, ये बिल्ला जो अरसलान भाई ने मंगवाया है, इसकी नोज आप देख रहे हैं आईज के बीच में, इसको पिकी फेस कहते हैं। ये बता रहे हैं कि 3 लाख प्लस गया है और ये बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, मैं भी मंगवा चुका हूँ पहले। तो अरसलान भाई इसकी एज क्या है? ये 6.5 मंथ्स का है। 6.5 मंथ है। तो ये अडल्ट कब होगा मेटिंग के लिए? ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है कि कुछ जल्दी हो जाते हैं 1 ईयर, वैसे जो मिनिमम इनकी एज होती है। इसके अंदर रख दें आप। अच्छा, तो ये जो एक और बिल्ला मैं अंदर देख रहा हूँ, वो मैंने पाकिस्तान में ब्रीड पहले नहीं देखी। जी, ये पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ही समझ लें कि ये इंपोर्ट हुई है। ये दिखाएंगे क्या ब्रीड है ये। ये हमजा की है? ये हमजा भाई की कैट है। ये फोल्ड ईयर क्यों है इसके, कान मुड़े हुए हैं और छोटे हैं? इसको स्कॉटिश फोल्ड बोलते हैं। अच्छा, इसको स्कॉटिश फोल्ड बोलते हैं और इसका फेस भी छोटा है। जी जी। और ये है आम बिल्ली की तरह, लेकिन इसके जो कान है और जो कोट है वो थोड़ा डिफरेंट है। जी बिल्कुल है। और आईज कलर भी डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो मुझे ये बताएंगे ये कितने की पड़ गई? ये मतलब 3 के राउंड अबाउट ही है ये भी, यानी ये उससे थोड़ा सा नीचे है जी। अच्छा, एक और कैट आती है, वो आप लोगों मंगवाने का नहीं सोच रहे। एक तो वो मैनीकोन है जी जी। और एक ब्रीड होती है जिसके ऊपर फर नहीं होती, मुझे उसका नाम नहीं पता। स्फिंक्स जो वो चुड़ैल की तरह पुराने दौर के अंदर वो मूवीज के अंदर होती थी। तो वो मंगवाने का कब प्लान है? कुछ लोगों ने सुना है कि मंगवाई है, लेकिन वो लोग अभी लाइक शो नहीं करते। कुछ लोगों ने एज ए पेट जो है रखे हुए हैं, सुना है कि प्यार किसी के पास है। तो अरसलान भी, आपका मेल जो है जब अडल्ट हो जाएगा तो आप इसका कितने का किटन देंगे? वो डिपेंड करता है कि अच्छा, मैंने एक चीज बहुत ज्यादा लोगों से सुनी है कि बाज बात पिकी के साथ मेट करे तो बच्चे जो है वो पंच भी निकल आते हैं, सेमी भी निकल आते हैं, और बाज बात पिकी जो है वो पंच के साथ मेट करे तो पिकी बच्चे निकल आते हैं, ये क्या बात है? वो डिपेंड ये करता है, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में चूंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस अब आ रही है, पहले तो नहीं थी, लेकिन प्योर ब्लड लाइन होना जो है ना, मतलब ये अगर इसके बैक पे कोई सेमी पंच या पंच होगा बिल्कुल, तो आप लोग ये देख के लेंगे आप वाकई पिकी टू पिकी बच्चा ले रहे हैं या पिकी टू पंच बच्चा ले रहे हैं, क्योंकि वो आगे बच्चे जो है वो पंच भी देगा सेमी भी देगा, तो आपके पैसे जाया होंगे। अगर पिकी टू पिकी बच्चा लेंगे तो बेहतर। अच्छा, मुझे एग्जैक्ट बताएंगे इसका बच्चा तकरीबन कितने का पिकी का मिल जाता है? पिकी का बच्चा जो मिनिमम प्राइस चल रही है यहाँ पे पाकिस्तान में, लाइक अगर लोकल जैसे आपने कहा था कि कुछ ऐसे मिक्स ब्रीड हुई होती है, पिकी इनटू जो है ना मतलब पंच या सेमी पंच के साथ होता है, तो उसका किटन जो है वो 40-50,000 का होता है। और पिकी टू पिकी अगर आप इसमें पेडिग्री में जाएं तो ये तकरीबन 1.5 लाख की रेंज में आ जाता है, 1.5 लाख तक का पड़ जाता है। चल रही है अभी तो अगर कोई बाहर से मंगवाना चाहे तो आप उसको मंगवा के भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हेल्प कर सकते हैं। हम लोग मंगवाते हैं, हमजा भाई जो है मतलब मंगवा देते हैं लोगों को, काफ़ी गाइड कर देते हैं। किसी को भी अगर नहीं कर सकता डील, उसको नहीं करना आता इटसेल्फ, तो फिर उसको यानी अगर हमने इसका बच्चा लेना है तो हमें कोई 1-1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। जी ऐसे चले, आपके पास और भी हैं पिकीज? जी बात है। तो अगर कोई आपसे लेना चाहे तो अगर नंबर बोल दें आप? नंबर आप डाल दीजिएगा हमारी वीडियो में, अब वैसे आप बोल भी दें। 0300-496-8889
दोबारा बोल दें 0300-496-8889। अच्छा ये तो हो गया। अरसलान भाई ने बड़ा अच्छा हमें बताया कि बिल्ली कैसे आती है और क्या वगैरह सारा कुछ प्रोसीजर बता दिया। अच्छा आप मुझे ये बताया कि लॉकडाउन में काफी लोग बेरोजगार हो गए, तो ये कारोबार कैसा है? ये वही कारोबार है जो लॉकडाउन में भी चलता रहा, चलता रहा, लोग शौकीन रहे हैं। हाँ, अच्छा तो लोगों ने ये नहीं कहा कि यार बिल्ली को कोरोना हो जाएगा तो हमारे घर में ना लग जाए कोरोना, ये वो? इस तरह काफी बिल्लियां मैंने सुना बिकी भी हैं, लेकिन वो जहालत थी क्योंकि जानवरों के अंदर कोरोना नहीं था। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लोगों को बस अवेयरनेस नहीं है। अदरवाइज इसका जो है ना कैट्स में तो कोई कैरी मतलब केस किस तरह का कोई सामने नहीं आया। ये तो सलाम भाई भाई, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही स्टोरीज देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।